तिवारी सर, जिस तरीके से दीपिका पादुकोण एनसीबी के सवालों का जवाब बिल्कुल एक फ्रेम तरीके से, मतलब जैसे रटके आई हूँ इस तरीके से दे रही थी, क्या लगता है? देखिए, जो रट्टा बुद्धि होता है वो सिर्फ 3 से 4 घंटे, अब वही हुआ है। जो गोवा से लेके मुंबई तक उनको लगातार ट्यूशन दिया गया, बड़े बड़े महंगे महंगे वकील ट्यूशन दिए कि मैडम दीपिका मैडम आप इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे देना, इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे देना, इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे देना, लेकिन वो बात सही नहीं हो पाई क्योंकि एनसीबी बहुत इंटेलिजेंट एजेंसी है, जैसे सीबीआई है वो भी प्रोफेशनल है। जैसे लोगों ने आरोप लगाया कि करण जौहर के जो असिस्टेंट हैं, सहयोगी हैं क्षितिज प्रसाद, उनको जबरदस्ती मार मार के एनसीबी ने प्रूफ करवाया कि आपने ये ड्रग्स लेते थे, ये सब काम करते थे, लेकिन एनसीबी के जो ऑफिसर हैं समीर वानखेड़े, उन्होंने क्या कहा कि हम इस तरह के चीज़ों में विश्वास नहीं करते, हम किसी को मारपीट से पूछताछ नहीं करते, हम एक तरीके हमारे पास, उन तरीकों से पूछताछ करते हैं और साबित करते हैं ये गुनहगार है, हमारे पास एविडेंस सबूतों के अनुसार से हम जांच करते हैं। तो जिस तरह से दीपिका पादुकोण अपने आप को मान रही थी कि हाँ मैं निर्दोष हूँ, मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, तो जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनके जवाब सही नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब में चुप्पी साध ली थी। अब तो यहाँ तक ये दीपिका पादुकोण बोल रही हैं कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देती हूँ, मैं ड्रग्स मजाक में लिया था, जो मैंने बर्ड की बात की थी वो तो मैंने सिगरेट के बारे में बात की थी, जो माल के बारे में बात किया था वो तो मैं सिगरेट के बारे में बात की थी, लेकिन अब पहली बार मुझे सुनाई दे रहा है देश में, मुझे पता चल रहा है कि दीपिका पादुकोण ने सिगरेट का नाम बदल दिया है, अब माल बोलना पड़ेगा, किसी दुकान में जाइए तो बोले कि हाँ भाई एक माल देना, और मजाक में कोई ड्रग्स लेता है बताइए, इस देश में मजाक में ड्रग्स लिया था एक मैंने मन किया आपको ड्रग्स ले लिया, वाह रे वाह, यानी कि कौन, मैं तो मुझे शक है कि कौन ट्यूशन दे रहा है दीपिका पादुकोण को कि ऐसे 5वीं पास वाला आंसर कि मजाक में ड्रग्स ले लिया, सिगरेट को माल बोल दिया, मैं तो कभी ड्रग्स के नाम पे, मैं तो ड्रग्स का नाम भी नहीं सही से जानती हूँ, ये भी बोला उन्होंने, मैं खिलाड़ी की बेटी हूँ, अरे वाह, कहाँ से लिखा है कि संविधान में, कौन से संविधान में लिखा है कि क्या नाम है खिलाड़ी की बेटी गलत काम नहीं करती, कहाँ से संविधान में लिखा है कि किसी आईपीएस ऑफिसर का बेटा गलत काम नहीं कर सकता, किसी नेता का बेटा गलत काम नहीं कर सकता, गलत आपके इंडिविजुअल कुकर्म होते हैं, उसमें खिलाड़ी इमोशनल जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप कुकर्मी थी, आप चर्सी हैं, गंजेड़ी हैं, आप नशा करती हैं, नशा करती थी, तो आप पे लांछन लगा है, अब ये मत बोलिए 5वीं पास की तरह कि हाँ मैं खिलाड़ी की बेटी हूँ, मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, इन तमाम चीज़ों की बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एनसीबी के मामला पड़ा हुआ है, एनसीबी को आप अपना सफाई दीजिए, एनसीबी को एविडेंस दीजिए कि हाँ मैं नहीं कुछ लेती थी, लेकिन एनसीबी को जैसे पता चल गया है, और एनसीबी ने आपने देखा होगा दीपिका के क्रेडिट कार्ड, आरा अली खान का क्रेडिट कार्ड, आधा कपूर का क्रेडिट कार्ड, इन तमाम क्रेडिट कार्ड का अगर डिटेल निकाल रही है कि जो 50,000 40,000 30,000 की बात होगी ना, तो उससे पता चलेगा। उसके बाद दीपिका पादुकोण, आरा अली खान, आधा कपूर के मोबाइल को रीट्रीट किया जाएगा, उनमें से एविडेंस निकाले जाएंगे कि और भी कहां कहां इसके लिंक जुड़े हुए हैं। तो एनसीबी अभी हल्के में ये लोग नहीं लेना चाहिए। आज जो लोग मान रहे हैं कि दीपिका पादुकोण बच गई हैं, दीपिका पादुकोण बची नहीं है, ये तो पहला ट्रीजर था, जैसे इन्हीं के मूवी में ट्रीजर आता है, वो ट्रीजर था, अभी ट्रेलर आएगा, अभी पूरी मूवी आएगी, तो अभी सब जगह ट्रीजर चल रहा है एनसीबी का। एनसीबी मतलब कि नारकोटिक्स ब्यूरो नहीं, एनसीबी मतलब नहीं चलेगा बहाना, वहाँ बहाना नहीं चलेगा, वहाँ जांच चल रहा है, वहाँ आपको जवाब देने का, वाइट पाउडरों का जवाब देना पड़ेगा कि वाइट पाउडर आया कहाँ से और कैसे कैसे आप लोग लेते थे, कौन आपको वाइट पाउडर देता था, क्या एनसीबी ये भी पता करेगी कि क्या आप ड्रग्स को क्या व्यापारिक बिजनेस में भी लेके आती थी या सिर्फ इंडिविजुअल लेती थी। दीपिका पादुकोण वैसे ही फंस चुकी हैं, वो चाहे कुछ भी कर ले, 6 महीने के लिए जेल जाए चाहे 1 साल के लिए जेल जाए, जेल जाना तय है उनका। यार भैया, ड्रग्स का माफिया कौन है बिग बॉस जो इन सब तक ड्रग्स पहुँचा रहा है, ये एनसीबी कैसे निकालेगी इनसे? देखिए, बहुत सारे एनसीबी वीडियोज की जाँच कर रही है और बहुत सारे बातों की पता कर रही है कि आखिर
इसका इसका फुल स्टॉप कहाँ पे है, इसका एंड कहाँ पे है, ये ख़त्म बात कहाँ से हो रही है, इन तमाम चीज़ों की बातचीत होगी। और इसीलिए एनसीबी के राकेश अस्थाना डीजी वहाँ पहुँचे हुए हैं, वो पता कर रहे हैं कि इसका फुल स्टॉप कहाँ पे है, ये बात जा कहाँ रही है, क्या करण जौहर तक जा रही है या सलमान खान तक जा रही है या और भी लोग इसमें शामिल हैं। इसीलिए राकेश अस्थाना वहाँ टेंट डाल के बैठे हुए हैं कि मुझे इसका अंत तक जाना है, बीच में छोड़ना नहीं है। और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी ने बोल दिया है अपने एसआईटी ऑफिसरों को कि यू आर अ फ्रीडम, तुम आज़ाद हो, आप कुछ भी करो, जांच करो, मुझे आपको कोई रोका जाएगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो लगातार हमारे देश में ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हैं, ड्रग्स की आड़ में देश को खोखला कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए राकेश अस्थाना को भारत सरकार ने वहाँ पर रिकमेंड किया कि आप वहाँ जाइए और जांच करते रहिए, अब पता लगाइए कि और बड़ी बड़ी मछली कौन है, चिया हो, दीपिका हो या आधा कपूर हो, ये तमाम लोग छोटे हैं, बड़ा मछली अभी भी बॉलीवुड में बैठा हुआ है जो लगातार इन चीज़ों को डाइवर्ट कर रहा है। इसीलिए पता करना है कि आखिर इसका बिग बॉस है कौन। अच्छा, जौहर जहर प्रोड्यूसर कब से बन गए या कैसे बन गए? देखिए, पहली बार करण जौहर पे ये आरोप नहीं लगे हैं कि ये सब चीज़ें पहली बार हो रहा है। 2019 से पहले भी ऐसे बहुत सारे पार्टी हुई हैं कि जिसमें करण जौहर के घर पे ड्रग्स की पार्टी हुई है, वो तो वीडियो लीक हुआ और इसे पोल खुल गया, वीडियो लीक हुआ पोल खुल गया। लेकिन इंतज़ार कीजिए थोड़े दिन तक, जैसे एनसीबी अभी और जांच करने वाली है और वीडियोस की जांच शुरू होने वाली है जिसमें मलाइका अरोड़ा खान, रणवीर कपूर, वरुण धवन, शाहिद कपूर, जोया अख्तर, तमाम लोग शामिल हैं, इनके साथ भी पूछताछ होगी। जब इनके मोबाइलों को रीट्वीट किया जाएगा, इनके मोबाइल को जब्त किया जाएगा, उससे पता चलेगा कि इसका मेन फुल स्टॉप कौन है, मेन सरगना कौन है। इसका सरगना भी यानी है, सरगना भी मेन है जो बॉलीवुड में लगातार ड्रग्स की लगातार लंबा तक समय तक सप्लाई करता रहा।